के लिए कराची के में पुलिस और मुश्तर मुश्तबा जरा समेत गिरफ्तार कर लिया गया जबकि वजी दाखिला रहमान मलिकेशन की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मौके पर मौजूद रहे मिलने के बाद रेंजर्स कराची में दहशत गर्दों के खिलाफ खास मुतहरक हो गई है जुमेरात और जुमे के दरमानी शब कोरंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी में रेंजर्स ने इलाके को मुहासरे में लेकर घर घर सर्च ऑपरेशन शुरू किया तलाशी के दौरान तेरह मुश्तबा अफराध को असलह समेत गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन के खिलाफ इलाका मकीनों ने सख्त एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि पकड़े जाने वाले तमाम अफराद मजदूर पेश हैं विफाक वजीर दाखिला रहमान मलिक कराची पुलिस के सरबरा सऊद मिर्जा के हमरा बिलल कॉलोनी ऑपरेशन का बरह रेते रहे पाक कॉलोनी के इलाके रेक्सर लाइन बड़ा बोर्ड और लियारी नदी के अतराफ में भी रेंजर्स ने नमाज फिर जराय पेशा अफराद के खिलाफ इलाके का मुहासरा करके ऑपरेशन किया जबकि दाखिली और खारजी रास्तों को आमदोरफ़त के लिए बंद कर दिया गया था रेंजर्स के टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान मुतद मुश्तबा अफरा को हिरासत में लेकर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के जरिए तफतीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया जुबे की सहपहर पुलिस ने तीन हट्टी के करीब वाकई इलियास गोट में सर्च ऑपरेशन किया ऑपरेशन के दौरान पांच अफरा को गिरफ्तार कर लिया गया इस दौरान जराय पेशा अनासर के कब्जे से इसल बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिलें और बड़ी मकदार में मनशियात बरामद हुई रेंजर्स की जानब से ताहाल गिरफ्तारियों को मंजर आम पर नहीं लाया गया रेंजर्स के तर्जुमान के मुताबिक आज किए जाने वाले सर्च ऑपरेशन में इकहत्तर हथियार बरामद हुए हैं दूसरी जानब टारगेटेड ऑपरेशन के बावजूद डेंसो हॉल में एक नौजवान की बोरी बंद लाश बरामद हुई जिसे तशद के बाद कत्ल किया गया ताहम उसकी शनाख्त नहीं हो सकी सूबा वजी शर्जील सौ से अफराद को हिरासत में ले लिया गया है लेकिन शहरी का एक ही मुतालबा है कि ऑपरेशन बिला तफरी पूरे शहर में किया जाए उधर जुमे को चक्रा गोट के दौरे के मौके पर मीडिया के नुमांदों से बातचीत करते हुए वजी दाखिला मंजूर वसान का कहना था कि शरपसंदों के खिलाफ हर जगह एक्शन होगा लेकिन उन लाखों के नाम जाहिर नहीं कर सकते सूबाई वजीर दाखिला मंजूर हुसैन वसान ने चक्रागोट में पुलिस चौकी के क़्याम का ऐलान करते हुए कहा है कि आवाम को अमन देना हमारी पहली तरजीह है जरा पेशा अफराद का ताल्लुक किसी भी कम्यूनिटी से हो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे इससे कबल उन्होंने हालिया पुरतशद वाक़ात में चक्रागोट के मुतासरीन से भी गुफ्तू की और उनकी जली हुई गाड़ियों और दुकानों का भी जायज़ा लिया सूबाई वजीर दाखिला का कहना है कि कराची पाकिस्तान का मुशी हब है बाज अनासर उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं लेकिन उसमें मुलव अफराद का ताल्लुक किसी भी कम्यूनिटी से हो उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई की थी और अब भी करेंगे उन्होंने कहा कि कराची के अवाम को अमन देना हमारी पहली तरजीह है हालात को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स के इख्तारात में मज़ीद तोसी की गई है कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस बस पर हमले में जख्मी होने वाला एक और पुलिस अहलकार जिन अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा जिसके बाद जां बहक होने वाले अहलकारों की तादाद चार हो गई है वेलकम टू एजेंडा 360 कराची के हालात से तो पूरा मुल्क ही बेतहाशा परेशान है इस सारी परेशानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि एक मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन प्ले करता है मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर या होम मिनिस्टर का तो रोल होता ही है लेकिन जो कम्युनिकेशन होती है हुकूमत की आवाम के साथ और आवाम की हुकूमत के साथ वो एक बहुत इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है जब भी कोई ऑपरेशन हो रहा हो या कोई लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सिचुएशन हो या पॉलिटिकल टर्मोइल हो जो इस वक्त हम कराची में देख रहे हैं हमने देखा यह है कि शर्जील मेमन साहब जो कि बखूबी इन जो आ, उनके फरइज़ हैं उनको निभा रहे हैं आजकल बहुत तलख और बहुत मुश्किल सिचुएशंस में भी हमने इनको देखा है कि बहुत कूल एंड काम और कंपोज्ड जवाब देते हैं हमने बहुत देखा इनको हर शो पे ये आते हैं लेकिन हमने अकेले कोई तफसील से नहीं देखा अभी तक कि इनसे से किसी ने बात की हो अकेले बिठा के इनसे पूछा हो कि वाकई कराची में ये क्या हो रहा है उसके हवाले से इकदाम जो हैं वो क्या सिर्फ रस्मी और रवायती हैं और क्या वो कुछ है जो पीपल्स पार्टी अचीव करना चाहती है इस बार ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इससे हमें किस तरह निकालेगी कोशिश करेंगे कि आज ज़रा तफसील से शर्जील मेमन साहब और सिर्फ शर्जील मेमन साहब से बात कर सकें वेरी वॉम वेलकम सर टू द शो आप तो हमारे शो पे माशाल्लाह आते ही रहते हैं इस दफ़ा मैंने कोशिश ये की है कि ज़रा आपको थोड़ा सा जो है इतमान से बिठाएं तो ज़रूर लेकिन सवाल जो है कुछ इन डेप्थ हम एक्सप्लोर करें क्योंकि साउंड बाइट्स की का टॉक शो तो आप रोज़ तीन करते हैं लेकिन अब अगर बात समझाई जा सके व्यूअर को क्योंकि व्यूअर बहुत अब परेशान है और साउंड बाइट से काम नहीं चलेगा बिस्मिल्लामान शुक्रिया हदर साहब था, इशू था, यह है कि कराची के हालात हमेशा तब खराब किए जाते हैं जब भी कोई जमहूरी हुकूमत होती है और कोई प्योरली जमहूरी आवाम की हुकूमत जो कि आवाम के मैंडेट से अवाम के प्योरली वोटों से चुन के आई होती है इशू क्या है कराची का इशू यह है कि आपने देखा कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो एक सोची समझी साजिश के तहत लोगों ने कराची के अमन को ख़राब किया और ख़ैर पीपल्स पार्टी ने सवा तीन साल तक कोशिश की जिसमें बड़े टारगेट क्लियर भी पकड़े और मुख्तलि कार्रवाई की गई डायलॉग्स की पॉलिसीज भी चलती रहीं लेकिन उसके बाद जब सारी चीज़ें देखे कि मुख्त तजुर्बे कर लिए गए तो फिर फाइनली ये फैसला किया गया किया गया जिसमें इतदी जमातों को भी अतमाद में लिया गया और वो फैसला ये था कि कराची में टारगेटेड एक्शन सर्जिकल टारगेटेड एक्शन मुख्तल एरियाज़ में सर so, ये मैं पूछ सकूँ कि जब आपने एम क्यू एम और एन पी को ऑन बोर्ड किया था तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है आप वाकिफ थे कि उस वक्त भी टारगेट किलिंग है बदमनी है और इस लेवल की नहीं है लेकिन साजिशी और जराम पेशा अनासर हैं लेकिन मफाहमत की वजह से आपने उसको ज़रा बैकबर्नर पर रखा और कहा कि इस वक्त पोलिटिकल रिकनसेलिएशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बात से इशारा ये लग रहा है एज एफ आपको उस वक्त भी शक था कि ए एन पी और एम क्यू एम का इस वक्त जो कराची में रोल है वो कुछ वायलेंट भी है और हो सकता है कि आगे जाके इसमें प्रॉब्लम भी हो आप उस वक्त ये सोचती क्या देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगा या आप अपना तजिया कर सकते हैं किसी पोटिकल मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी बात समझना बात समझ मेरा तज्जिया इंपॉर्टेंट नहीं है मैं पोलिटिकल पार्टी या किसी का भी नाम नहीं लूँगा किसी भी पार्टी का या किस पार्टी का वायलेंट रोल था या नहीं था इशू ये नहीं इशू ब्लेम गेमिंग्स में नहीं आएगा इशू जब सॉल्व होगा वो बैठकर बातचीत में होगा हमने उस वक्त भी बातचीत की बात की आज भी हम कहते हैं कि बातचीत पोलिटिकल विल है सर पोलिटिकल विल पोलिटिकल विल भी है पोल पोलिटिकल विश भी है लेकिन इशू प्रॉब्लम सभी यहाँ पर आ रहा है कि सर मुझे पता है समझ क्या नहीं आ रही आसिफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब की सियासत जो है ना वो बेहतरीन शतरंज खेलते हैं वो ताश बड़ी बेहतरीन उन्होंने लगाई हुई है अगर मैं उनके जहन से सोचने की कोशिश करूँ और मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ तो मैं तो सोचता कि इस वक्त एम क्यू एम को बल्दियात दे दें ज़्यादा से ज़्यादा यही देनी पड़ेगी या नाजम आला बहुत ज़्यादा देना पड़ा ये देना पड़ेगा आपकी फेडरल गवर्नमेंट है सेनेट के इलेक्शन है आगे की जो ताश फैलानी है नवाज़ शरीफ के हवाले से और आर्मी को आज ओपनिंग भी नहीं देनी प्रायोरिटी जरदारी साहब की अब मैं देख रहा हूँ कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ मैं कराची में नहीं बैठा हुआ पूरा मुल्क देखना है मुझे मुझे सिर्फ कराची नहीं देखना आई एम थिंकिंग आपने बहुत एक अजीब सा तज्जिया कर दिया ना ही मुल्क ताशों से चलते हैं ना ही मुल्क शतरंजों से चलते हैं सर सियासत में जो है शतरंज चलती हैं ना ही इसमें कुछ ताशें चलती हैं देखें ये हमारे मुल्क में सियासत करना आप आसफ़ साहब का आपने जिक्र किया हवाले से हम मेन टॉपिक हट गए हैं लेकिन कोई बात नहीं नहीं सर उनकी सियासत मैं, मैं बताऊं कि हाँ। उन्होंने मोशी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मुफाहमत का एक नारा लगाया एक कॉन्सेप्ट दिया उसको अमली जामा पैराया पहलाया, पहलाया मोतरम आसफ अली जदारी साहब ने लेकिन बात क्या है बात यह कि पाकिस्तान में सियासत करना जो है ना मैं समझता तो हूँ दुनिया में मुश्किल मुश्किल काम है पाकिस्तान में सियासत करना उस मुल्क में जहाँ पर इतने ज़्यादा चैलेंजेस हों दो चीज़ें हैं पाकिस्तान में एक जो आज भी हम लड़ रहे हैं वो किस चीज़ से लड़ रहे हैं हम लड़ रहे हैं हक के जहन से हक की पॉलिसियों से आज दिन तक हम मेरी बात में जगह कभी से ने, 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 मैं वी 100% सर लेकिन इस वक्त के कराची का वायलेंस हक की मेंटालिटी जो बदतरीन चीज थी पाकिस्तान के लिए ये मैं मैं बिलीव करता हूँ लेकिन आज की जो कराची का वायलेंस है वो हक की मैंटेलिटी की वजह से नहीं है और कम 100 से कम कमेंट असला उस जमाने में जो आया नो no डाउट वो वो लिंक जरूर है लेकिन अगर इस वक्त हमें ये चीज़ सुलझानी है तो हक साहब की लेगेसी में आगे भी सोचना होगा आप माशाल्लाह एडवोकेट हैं आपने एलएलबी की हुई है आप अगर मैट्रिक ना करते तो एलएलबी कर सकते थे आप सही कह रहे हैं आप रीक बिल्कुल ठीक है पहले की चीज ना होती तो आज की चीज नहीं होती तो मैं सही वही, मैं वही बात बोल रहा हूं कि अगर अगर आप 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 प्राइमरी ना करते तो आप दे दिया दिया एलएल भी भी नहीं नहीं कर सकते मैंने दे, भी दिया। मैंने आपको किसी को इसका मकसद वो नहीं है कि मैं किसी को इल्जाम देने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे अपनी मैं जिम्मेदारियों से हाथ उठा रहा हूं इशू क्या है इशू यह है कि एक सोची समझी साजिश के तहत उस दौर में जिन चीजों को पैटर्नाइज किया गया जिस तरह वेपन दिए गए और बहुत सारी चीज़ों को पैटर्नाइज किया गया किन मकासद के लिए उसके लिए आज तक उसकी बीच इस उस पीच में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने उसी को भुगतती रही हैं उसी चीज़ों को उसके नतज़ पे उसके कौन से आज तक चल रही हैं मैं आपको बताऊं भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में आपने कभी ये चीज़ नहीं देखी होंगी तो जो चीज़ें जो चैलेंजेस फेस करने पड़े मोहतरमा बेजी भुट्टो साहब को या नवाज शरीफ साहब को वो सबलत की मेहरबानी है आज तक हम उनको भुगत रहे हैं लेकिन एक, अब आगे अच्छा, भी आ तो हैं मैं मतलब हाँ। इस मुल्क में हुकूमत करना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल काम मेरे जैसा अगर बहुत अगर मोहतरम आसमली साहब की जगह कभी खत्म सोच भी नहीं सकता कभी हो तो मैं मुल्क छोड़कर भाग जाऊं इतना मुश्किल काम जिस तरह है कि आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी के अगर आज प्रॉब्लम की बात करें टर्म के बाद छोड़ के जाते हैं या खत्म मैं बता रहा कि हर मतलब यहाँ पे बहुत बहुत प्रॉब्लम बहुत लिया लेकिन उसमें इसमें दिल गुर्दा है मोहतरमासदारी साहब का उनका विजन है विल है बिल्कुल है बिल्कुल जिस जगह पे हम जैसे लोग अगर मायूस होते हैं तो वो हमें जो है सहारा देते हैं वो हमें एक राह दिखाते हैं वो, वो हिम्मत बांधते हैं कि नहीं चैलेंजिंग हालात है उनका मुकाबला करो सर और उसकी वजह से हमारा फिर दिल बड़ा होता है फिर हम लोग आगे निकलते हैं ठीक है ठीक है हालात है बात करें कराची की हालात भी वही एक माइंड सेट है कराची हम बात कर लेते हैं। बहुत आसान है कि ऑपरेशन नहीं हो रहा ऑपरेशन हो रहा है आर्मी कि चंद लोग जो है जो टूल बने उनको मारने से मसला हल हो जाएगा नहीं होगा ऑपरेशन पहले हुए जो लोग आज फौज बुलाने की बात करते हैं फौज हम फौज की बहुत इज्जत करते हैं फौज हम, हमें ना अपनी फौज पर बात करेंगे मसला क्या है मसला मैं बताऊं क्या मसला यह कि मुख्तलि अदवार में दो ऑपरेशन हुए बकौल लोगों के हजारों आदमी मारे गए मैं नहीं कहूँगा हजारों आदमी मारे गए लेकिन जो लोग भी मारे गए और आज जो है अगर हम फिर वो बंदे मारे तो क्या होगा मसला तो फिर चल है? जब फौज ने ऑपरेशन किया लोग मारे भी गए तो फिर मसला हल क्यों नहीं हुआ जब इतना बदतरीन सबक मिला मारने से, से नहीं, नहीं हो गा। हो गा। मसला क्या है आप इनको मारते रहोगे आपने जो मेन बुराई की जड़ है वो वो तो काम कर रही है अपनी वो क्या है क्या क्या है मैं दो तीन चीजें एक चीज भी एक चीज नहीं है वो दो तीन चीजें एक तो इनको जो कौन सी ऐसी ताकत है या कौन सा ऐसा जहन है जो एक मासूम बच्चे को एक मासूम नौजवान को असला उठाने पर मजबूर कर रहा है उसको इतना जहन में वो चीजें डाल रहा है इतना बागी कर रहा है कि वो किसी को मारने के लिए तैयार है आप और मैं एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में वो बात ठीक है कि अगर निजाम यहाँ सही चल रहे होते तो जगह नहीं मैं लॉन्ग टर्म की बात इसलिए कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म पे तो हम काम कर रहे हैं ना

डायरेक्ट आप एक गली से से अंदर जाओ गली, जा गली, जा जा गली आप पे ये लगता है कि आप लियारी में दयानत से ऑपरेशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे रहती है एक अमन कमेटी जिसकी से एमक्यूएम जो है वो बैकफुट पे जा रही है और आपको मजा आ रहा है एक इल्जाम लगता है ना अच्छी बात की बात लियारी कॉन्स्टिट्यूसी रही है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की और जरदारी साहब विदाउट डाउट ठीक है ना

हमें हर चीज बिगाड़ के दे दी जाती है और बोलते हैं कि ये जादू की छड़ी ले लो आप पूरे सिस्टम को ठीक कर दो अच्छा आज जब ये कहा जाता है कि मिर्जा साहब जो हैं वो पेट्राइज कर रहे हैं अमन कमेटी को और एक दफा वो ये भी कह चुके हैं कि अगर अमन कमेटी जरायम पेशा है तो होम मिनिस्टर यानी उस वक्त वो थे होम मिनिस्टर मैं भी जरायम पेशा उन्होंने मतलब देखें एक लिंक तो उनका वहां पर था ना

मुशरफ के दौर में अमन कमेटी बनी खत्म की पाकिस्तान पार्टी दौर में उसी लियारी में गैंग का जो सरबरा कहा जाता था रहमान बलोच इससे पहले हुकूमत थी ठीक है होम मिनिस्टर कौन था आपको भी पता है उसके दौर में पकड़ा भी गया और वहीं पुलिस के बाद जब वो पुलिस के बाद काबू था वहां पैसे लेके वो वहां से निकला देखे वो पकड़ा गया रहमान बलोच और पैसे देकर वहां से निकला पुलिस वालों से होम मिनिस्टर उस वक्त इन्वॉल्व था उस पैसों लेने में मैं आपको कैटेगोरिकली बोलता हूं और हमारी हुकूमत वो मारा गया अब मुझे बताएं आप अभी भी इल्जाम आब, आब आब... और, और मेरी बात सुने गलत बात है मीडिया चीजों को मीडिया चाहिए इन चीज़ों को पकड़े कि क्या वजह थी कि वो जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी तब वो पैसे देकर पुलिस को छूट गया और हमारे दौर में मारा गया और फिर भी इल्जाम आप हम पे लगाते हैं सर ये मुझे आप बताइए कि एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त जो लियारी में अमन कमेटी है जिस तरह की भी बच गई है ऑन पेपर खत्म भी हो गई है वो जराय पेशा है आपके ख्याल से या नहीं है देखिए पेशा जरा अमन तो कमेटी के मेंबरान जराएं पेशा है या नहीं मैं, पूछ रहा हूं। अमन कमेटी का कोई भी आमन, अमन, कमेटी का कोई भी मेंबर जरायम पेशा नहीं है नहीं है अच्छा नहीं। नहीं। कल और, और अमन कमेटी को क्यों निशाना बनाया जाता है ये भी बताऊं क्योंकि जिन लोगों को मोर्चे फतेह करने हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के उनकी ख्वाहिश है कि लियारी भी वो फतेह करें और उसको लियारी फतेह करने के लिए उन्होंने आप एक, आ, आम, की बात कर मैं किसी का नाम नहीं लिया मैं बात अच्छा। बता रहा हूँ आपको उन लोगों ने वहाँ पे नहीं, तो नहीं वहाँ उन लोगों में उन लोगों ने वहाँ पे गफ्फार जिक्री एक गैंगस्टर था उसको <coughs> पेटरनाइज किया जिस अमन कमेटी की बात करें मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ मीडिया पे आ भी चुकी हैं कि उनके अपने मिनिस्टर्स कुछ लोगों के जो लोग इल्ज़ाम लगाने वालों के अपने मिनिस्टर्स अमन कमेटी के साथ बैठे हुए हैं इल्जाम लगाने वालों के टिकट वाले तो अमन कमेटी के मेंबर थे बात क्या करते हैं लेकिन क्या कि हम लोग हमारी मुफामत को हमेशा हमारी कमजोरी समझा गया है लेकिन इशू क्या है आपको बताऊं इशू ये कि हम ये चाहते हैं कि शहर में अमन रहे शहर में मोहब्बत रहे और ब्लेम गेम झूठे इल्जाम मन गड़त इसके साथ खत्म हो जाए सर वो बात आपकी ठीक है कि आपने मुफाहमत की कोशिश से पहले मैं बात कर रहा हूँ जो बात हमारी कट गई जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ रहा था जो बात हमारी कट गई हम भी मतलब ये इलाज नहीं है कि हम अगर लाइट सपोल आज कराची में दस हज़ार दशतगद हमें दस हज़ार हम दहशतगर्द मार दिए ठीक है क्या इलाज है दस हज़ार आदमी को मारे ठीक है हम अगर फॉर एग्जाम्पल मार दिए या पकड़ लिए गए लेकिन कल को जो जो दहशतगर्द पैदा कर रहा है ना वो दस हज़ार और पैदा करेगा फिर क्या होगा कौन स़ी? नहीं मुझे बताएं आप कौन जिम्मेदारी देगा उसकी जो एक फैक्ट्री है जो दहशतगर्द पैदा कर रही है आपने तो तो फैक्ट्री तो को बंद करें ना फैक्ट्री को बंद होना चाहिए exactly. कौन, कौन कर रहा है मुझे प्रॉब्लम यह है जब लियारी में बदमाश है मैं नहीं कह रहा आप उसे पेट्रनाइज कर रहे हैं वो अगर भत्ता ले रहा है सदर से या न्यू कराची से एक अन्यचुरल बात है पहले नहीं हुई हमेशा से लियारी में गैंग्स रहे मुशरफ साहब के जमाने में ये मसला बहुत पैदा वो सब ठीक है बट आज पहली दफा है कि वहां से बंदा बैठा हुआ पता ले रहा है दूसरे ऐसे इलाकों से जहां पहले वो नहीं ले सकता था तो एक इशारतन बात ये की जाती है कि अगर उसे पेट्रनाइज नहीं कर रही हुकूमत तो वो किस तरह ये कर पा रहा बहुत है? अच्छी बात आपने की मुझे खुशी हुई आपने सवाल किया लियारी से बकौल आपके कि भाई भत्ता लिया जा रहा है मुख्य इलाकों में सिर्फ वहां से नहीं मैं आपको बता रहा जी पीपुल्स पार्टी का कल्चर सबको पता है पीपल्स पार्टी वो जमात है जो चारों सूबों में भी है गिल -गिल में भी है, कश्मीर में भी है अगर पीपल्स पार्टी का कल्चर ये भत्ता होता तो पूरे पाकिस्तान में होता सिर्फ कराची में क्यों है और अगर मैं आप बात को बताऊं कि पीपल्स पार्टी कल्चर में ना ही भत्ता लेना है ना ही मैं ने 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 बता इंफ्लुंस जी पीपुल्स पार्टी का कल्चर ना ही भत्ता लेना है ना ही फितरे की पर्चियां लेना है ना ही छीनना है किसका कल्चर किसी का भी आपको पता है ये अजीब बात है कि हमारे कराची में पाकिस्तानी जो हमारे ये वायद शहर है पूरे मुल्क का जिसमें पाकिस्तानी हमारे क्रिश्चियन और हिंदू भी जो है फितरा और जकत देते हैं अगर, अगर उनकी दुकानें हैं और कोई कारोबार छोटा मोटा करते हैं या किसी घर में रहते हैं तो वो भी जो है फितरा जो उनको नहीं देना और जकत के मतलब अजीब चीज है ये तो कितना मॉडर्नाइज किया गया है उस भत्ते को जिसमें जो है वो अच्छा मैं एक और चीज बताऊं हम यहाँ बात करते हैं पंजाब में कल की मैं एक टीवी डिजिटल पर देख रहा था तेरह हज़ार अफराद अगवा हुए हैं एक साल में वो क्या वो भी बताए मतलब भत्ता बता लेने का तरीका का फर्क है ना? इस पे अगर ब्रेक के बाद हम आ सकें शजील मेहमान साहब जो है इस वक्त यही बता रहे हैं कि लियारी की जो सारा प्रॉब्लम है ये पीपल्स पार्टी का क्रिएट किया हुआ नहीं है बल्कि मुशर्रफ़ साहब के दौर में बदतरीन लियार, लियारी के हालात थे और गेंग वॉर वहाँ पर उस वक्त उरूज पर थी वो आगे ये भी कहते हैं कि भत्ता और ये लाशें और ये सारी खालें यह सारा कल्चर पीपल्स पार्टी का नहीं है और पीपल्स पार्टी का बेसिकली ये जो सारी बदमनी है इससे कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि पीपल्स पार्टी एक ऑपरेशन कर रही है उनके मुताबिक बिला इम्तियाज़ और इनडिसक्रमिनेट ऑपरेशन कर रही है और उसके नतज भी अब सामने आ रहे हैं हम शहजील मेमन साहब से पूछेंगे कि वो नतज प्रैक्टिकली वाकई आ रहे हैं या नहीं आ रहे और क्या फ़ौज का कोई रोल हो सकता है अब डी मेरिट्स और मेरिट्स जो फ़ौज को बुलाने के हैं उनको एनालाइज करेंगे फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट जो कि शहजील मेमन साहब का एक फेवरेट टॉपिक भी है उस पर बात करेंगे उनतीस तारीख से जो है सुप्रीम कोर्ट समाज जो है कराची में कंटिन्यू कर रहा है कराची किलिंग्स के सू मोटो एक्शन के हवाले से वहाँ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या जुडिशरी का रोल जो है वो कोई ऐसा हो सकता है जिससे कोई चेंज कराची में आ सके इन सारी चीज़ों की बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमें लिख सकते हैं एट एजेंडा थ्री सिक्सटी एट सी एन बी सी पाकिस्तान डॉट कॉम और हमारे फेसबुक पेज पर पे जाके ये वाला शो या पहले का कोई भी शो चाहें तो वो भी देख सकते हैं बैक आफ्टर ब्रेक विद द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन शजील मेम